श्रीनगर में आतंकी हमले में कल दो पुलिस वाले शहीद हो गए थे। बीच बाजार में गोलीबारी कर आतंकी ने पुलिस वाले को जख्मी कर दिया था, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बचा नहीं जा सका। ये वही वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से छिपकर पीछे से वार किया आतंकी ने। अब तक हमलावर आतंकी की तलाश लगातार जारी है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। घाटी को अशांत करने की आतंकी कोशिशों की ये काराना हरकत है। सीसीटीवी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे आतंकी संगठन और उसके पालतू दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। उसी बौखलाहट में वो सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। श्रीनगर में कल एक आतंकी ने सरेआम दो पुलिस वालों पर गोलियां बरसा दी। बारजुला इलाके में ये हमला हुआ। अपने साथी की शहादत पर पुलिस वाले बदले की कस्में खा रहे हैं, तो घर वाले सुध-बुध खो बैठे हैं। अनंतनाग के रहने वाले सुहेल अहमद के घर में अब मातम पसरा है। एक बेटे के लिए गम ऐसा कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। 5 साल पहले ही सुहेल की शादी हुई थी। दो बेटियों के पिता सुहेल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी हर किसी की जुबान पर है। एक बहन है इसकी बस, और अपने अभी छोटे छोटे दो बच्चे हैं। माइनर, बिल्कुल माइनर। मुझे लगता है कि इस लड़के को मतलब जितना इसकी मतलब प्रशंसा किया जाए उतना बहुत कम है, क्योंकि इसकी नेक माँ बाप ने मतलब इसके बाप तो था नहीं, सिर्फ माँ है, माँ ने पाला है इसको, दादा ने पाला है। इस हमले के पीछे TRF नाम के आतंकी संगठन को बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमला करने वाले आतंकी की पहचान साकिब मंजूर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आतंकी साकिब बरजुला इलाके का रहने वाला ही है और अब ये फरार है। हर एक टैक्टिक्स अलग होता है। टैक्टिकली मैं मानता हूँ कि सॉन्ड है, उनका मॉडस ऑपरेंडी है कि इनिशियल फायरिंग करके भाग जाओ, लेकिन हर वक्त काम नहीं करेगा, अगले बार फंसेंगे। आतंकी ये जान ले कि ऑपरेशन ऑल आउट से उनका बचना नामुमकिन है। ऐसे हमलावर चाहे जहां छिप जाएं, सुरक्षा बल उन्हें खोज ही निकालेंगे और उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। श्रीनगर से सुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो।